सो हे व्हाट इज अप ब्रोस, हे व्हाट इज अप ब्रोस, क्या सब सब लोग एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ओकापा एसएमपी द सर्वाइवल जर्नी। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब ये तो मैंने तो नहीं बनाया, अब ये एक मिनट। भाई सब अलग ही नशे हो रहे हैं यहाँ पर, तो चलो कोई बात नहीं। एक सेकंड, ये क्या लगता है, स्मॉल गिफ्ट। ओ भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब इसने मेरे को गिफ्ट दिया, पर मेरे को थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि ये बदला लेने का तो कुछ है नहीं क्या। कुछ TNT PNT तो नहीं छुपा रखा इसने। चेस्ट नहीं, ट्रैप चेस्ट नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल, इसको कोने पे लगाते। TNT वेंटे तो नहीं बिछा रखा इसने नीचे ना, ठीक ही है। अब TNT मतलब TNT कह रहा हूँ, क्राफ्टिंग टेबल को अपनी पोजीशन पे रखते हैं। और थोड़ा सा अब देखो, मेरा भी फ़िलहाल टास्क है यहाँ पर कि अपने जो ये जो हमारा ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं यार इसे, प्लेटफॉर्म, तो इस प्लेटफॉर्म को हमें पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे का देखेंगे थोड़ा। पर सबसे पहले मैं उसे कुछ ही देकर आता हूँ। भाई आई लव यू, भाई तूने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, भाई थैंक यू। थैंक्स बोलते रहते हैं भाई, कोई कमी नहीं होनी चाहिए थैंक। मैं इसको कुछ ही दूंगा भाई, कुछ ही देना मुझे तेरे को। आजा 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 आजा। भाई कर रही है अभी। आजा भाई, पुच्ची ले मेरी, ले पुच्ची। अरे कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तेरी पप्पी ली थी मैंने। भाई साहब चलो, हमने अपना तोहफा दे दिया है इसे, और जहाँ अपना ग्रेट क्या पता एक्सेप्ट कर ले, मैं तो कहूँ ना करे भाई। चलो अब फिलहाल हमारा टास्क है कि हमें पीछे के जो मेरा गार्डन है वहाँ से वुड्स इकट्ठा करना है और अपना वो कलेक्ट करना है, ताकि हम अपना ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर सके पूरा ओक प्लैंक से। और ये दरवाज़ा यहाँ क्यों लगा रखा है पता नहीं भाई। तो यहाँ से मैंने अभी ये जो मेरा ये एरिया है, ये मेरा गार्डन बनेगा, और यहीं पे मैं अभी पेड़ उगा रहा हूँ, और सारे पेड़ मैं यहीं उगा रहा हूँ। तो देखते हैं फिर क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत तो कुछ खैर होगी नहीं। इस जगह को मैं अपना गार्डन बनाऊंगा, यहीं पे मैं पेड़ वेड़ उगाऊंगा और बाकी सब काम भी करूंगा, तो अच्छी बात है ना भाई, ये तो पेड़ वेड़ उगाना चाहिए। पेड़ उगाना तो अच्छी बात होती है ब्रो। अब ना मेरे पास ये जो लाइट डार्क मतलब क्या बोलते हैं, लाइट ब्राइट वाले जो ये प्लैंक्स है, ये भी नहीं है मेरे पास। अभी स्प्रूस के लॉग्स है मेरे पास और ओक के लॉग्स है, तो अभी मेरे को थोड़ा सा रिसोर्सेज ग्राइंडिंग करने भी जाना पड़ेगा, ताकि मैं अपने घर को एक बड़ा आलीशान मॉडर्न हाउस दे सकूं। चलो भाई इसको थैंक यू भी बोल देते हैं, और अपना काम होता रहेगा ये। हाँ तो फिलहाल तो कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। भाई सब क्या ही थग लाइफ वाली काम किया इसने, चलो कोई बात नहीं। अब फिलहाल तो हमें ना बहुत सारे वुड्स की इकट्ठा करना है, बस वुड्स इकट्ठा करने हैं और प्लेटफॉर्म, आज तो इस SMP में हमें प्लेटफॉर्म कंप्लीट करना है, ताकि हम अपने मॉडर्न हाउस पे भी थोड़ा काम शुरू कर सकें। बिकॉज़ ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक बार कम्प्लीट हो गया तो हमारे पास एरिया हो जाएगा, तो उस एरिया के अंदर हमें बनाना होगा। पर उससे पहले हमें सबसे पहले अपना थोड़ा चेस्ट खाली करना पड़ेगा, बिकॉज़ फालतू का सामान भर रखा है मैंने अपने इन्वेंट्री में,
उसे भर इसे खाली करेंगे और थोड़ा कुछ बना भी लेते हैं ये सब, ताकि जितने हैं पहले उससे तो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कम पड़ेगा। तो ये क्या है, अरे भाई ये तो आज गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो काम शुरू करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। बंद करो। तो थोड़ा बहुत काम तो हो गया है, अब वुड्स तो इकट्ठे कर लिए हैं मैंने थोड़े बहुत, और अब इस प्लेटफॉर्म को हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। और ये मेरे को कहाँ लेके जाना चाहता है, तो ये पोर्टल, ओ चलो आज नेदर के दर्शन भी कर ही आते हैं। भाई साहब कितना बड़ा पोर्टल बना है भाई साहब, चलो बहुत मेहनत की होगी इसके लिए, तो भाई चलो हम चलते हैं। और ये आगे हम नेदर में, वाह। वैसे तो इसका हाल अच्छा है नहीं फिलहाल, तो बड़े बुरे हाल हो रखे हैं इनके, कोई बात नहीं। अब चेस्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ तो रखते हैं डायमंड वायमंड, चलो कोई बात नहीं हम चलते हैं। धक्का क्यों दे रहा है भाई, मैं तो आऊँ। और ये आ गए हम बैक टू द वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड। तो रात भी हो रही है तो चल के सोते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद सुबह काम पे लगेंगे। चलो आज नेदर के भी दर्शन हो ही आए, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मतलब वैष्णो देवी के दर्शन कर कर आया हूँ। तो चलो अब मेरा टाइम यहाँ से हो गया जाने का, और थोड़ा पार्क और भी सीखते रहते हैं हम। और ये हम आ गए अपने प्यारे घर में और सो गए, नेट्स हाउ। चलो एक और ओपी सुबह हो चुकी है और पेड़ भी उग चुके हैं, तो हम सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म कंप्लीट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और प्लेटफॉर्म एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो काम आसानी होगी, मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ना मैं काम करते थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए, इसको ऐसा बना देते हैं ना, थोड़ा स्टाइलिश रहना चाहिए ना, मॉडर्न हाउस। अब ये क्या लगा दिया, एक सेकेंड, प्लैंक्स ये रहा, चलो ये लग गया, चलो कोई नहीं बाद में हटाऊंगा। अब हमारे पास पेड़ उग चुके हैं तो अब हमें पेड़ भी कट डाउन करना पड़ेगा, और कट डाउन करने से पहले मैं थोड़ा खाली वाली कर लेता हूँ और इससे ये बना लेते हैं, नहीं तो वेस्ट ही जाएगा ना। और ये कर ही लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद यहाँ पे थोड़े टॉर्चेस भी स्पैम करना ज़रूरी है, बिकॉज टॉर्चेस स्पैम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना ब्रो। टॉर्चेस भी तो स्पैम करना ज़रूरी है, वरना ज़ॉम्बीज फॉम्बीज आ गए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जल्दी 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 जल्दी, तो अब हमारे पास थोड़ी वुड्स आ चुकी है और हमारा ये भी बन रहा है ताकि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। तो अभी मेरा फ़िलहाल का प्लान है कि मैं एक ब्रिज बनाऊं छोटा सा अपने इस घर से उस गार्डन तक के लिए, और अभी थोड़ा काम चालू है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और SK गेमिंग YT भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा है इसको बनाने में, और मेरा ये पक रहा है जब तक तब तक मैं थोड़ा प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीट करता ही रहूँगा। और जब वो पक जाएगा उसे सीढ़ियाँ बना के एक ब्रिज वहाँ बना देंगे, एक प्यारा सा ब्रिज। भाई दिमाग में भी बहुत कुछ है, बस उसे अभी कम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं। सारा सामान रखते हैं और थोड़ा काम पे लगते हैं, है ना ब्रो। काम करना है, सुना नहीं है गाना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। सुना तो ज़रूरी होगा, नहीं सुना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम काम पे लग जाते हैं, सारा सामान फालतू का रख दिया है, और थोड़ा सा कॉबल स्टोन माइन करके भी लाएंगे ताकि अपने घर को हम स्टोन से बनाएं ना कि वुड से, क्योंकि यार वुड जल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना ब्रो।
और हमने भी फ़िलहाल ये एक सीढ़ी सी बनाई है मेरे घर से एसके गेमिंग के घर जाने के लिए। और इसने ये गलती कर दी कि इसने डर्ट का बना दिया यार वॉल। चलो कोई नहीं, हम इससे बना लेते हैं, थोड़ा मज़े भी तो लो ना इससे। ये धक्का दे। अबे गिर ही नहीं रहा, धक्का, ये गिर गया। एक सेकंड, मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे को भी तो काम करना चाहिए ना भाई, मेरा घर ही का तो कर रहा ही है। हाँ तो मुझे मज़े नहीं लेना, अब मुझे काम करना है। चलो तो सबसे पहले जल्दी से लकड़ियाँ लाते हैं और हम भी काम पे लग जाते हैं। लकड़ी दो दो, सारी लकड़ी दो जितनी भी है। सबसे एक सेकंड, हाँ सबसे प्लैंक्स बनाएंगे और बंद करो। चलो यहीं से काम शुरू करते हैं। अबे धक्का मत दो ब्रो, मैं भी तो कर रहा हूँ। हाँ ऐसे करेंगे। अबे यार ये मुझे करने नहीं देगा, इसको करने देते हैं और हम दूर जाके करते हैं थोड़ा। इनफ, नॉट इनफ ब्रो, अभी इनफ थोड़ी है, पूरा कंप्लीट करेंगे तभी तो। हाँ चल तू ऊपर से ले, मैं नीचे से लेता हूँ। हाँ ऐसे ही, हाँ टक 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 टक, ऐसे कर करके हमें जल्दी से काम कंप्लीट करना पड़ेगा। और वॉल्स को मैं 5 हाइट पर रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट भी बहुत, मतलब ज़्यादा हाइट भी रखना नहीं है ना ब्रो, बात तो ये है सिंपल सी, 5 का हाइट काफ़ी है। 5 भी छोटा लगा तो 6 कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, 6 सही है मेरे हिसाब से। और अब वॉल स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना वॉल कंप्लीट करने लगा, मैंने सारे अपने रिसोर्सेज लाए, सबसे वॉल बनाया और पूरे दीवार को मतलब बड़ा किया और सब जगह पूरा वॉल कवर किया। और ये मेरे यहाँ पर कुछ बनाना चाह रहा था जिसको मैंने तोड़ा। उसके बाद यहाँ पर ब्रिज, जो हमारा ब्रिज है गार्डन तक जाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने वहाँ पर एक गोल आकार का मतलब कुछ बनाने की कोशिश की, जो कि बनाने में मेरे को बहुत टाइम लग गया और जैसे तैसे करके मैंने बना ही लिया उसे। और अभी तो फ़िलहाल ये ठीक दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, और क्या ही कर सकते हैं हम, पूरा कोशिश किया था मैंने कि जल्दी से ठीक।